Hello learners, welcome in NIS studio. I am Prabhakar Jha, physical education teacher from the modern school Faridabad. Today we are going to talk about the physical subject, code number 508, learning in art, health and physical work education at elementary level. Subject code 508 hai. Today we are going to talk about conducting mass program. Mass program means group activities. What is group activities? बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के इकट्ठे खड़े होके एक्सरसाइज करते परफॉर्म करते हैं, उसको हम मास प्रोग्राम्स कहते हैं. इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, शाखाएँ हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कूल असेंबलीज. स्कूल असेंबलीज आर हेल्ड टू ब्रिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री एंड स्कूल पॉपुलेशन टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड फेस टू फेस वेन्यू फॉर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ कम्युनिटी within the school assemblies may be of the entire school if space and fire regulation permit or held for trusted audience of primary middle school of junior high student and indicted by a specific agenda topics as school principal sometimes off site or engaged in meetings teachers and periodically asked to conduct school assemblies. क्या होती हैं स्कूल असेंबलीज, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. स्कूल असेंबलीज वो पार्ट है जब बच्चे मॉर्निंग टाइम में आते हैं स्कूल के अंदर और सबसे पहले एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक प्लेस पर इकट्ठे होते हैं. हर स्कूल में प्लेस बना होता है कि कहाँ बच्चों को असेंबली करानी है हमें, और उसके बाद फिर वहाँ पर सभी बच्चों को लाइनअप किया जाता है, लाइनअप करते हैं. उसके बाद बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर दिया, एक डिसिप्लिन सावधान विश्राम में करा के एक डिसिप्लिन के रूप से हम तैयार करते हैं बच्चों को. पूरी अलग अलग क्लास के अलग अलग लाइंस बनाते हैं, जितनी भी क्लासेज हैं स्कूल के अंदर उसके अलग अलग हमने लाइंस बना ली, और उसके बाद हमने सबको वहाँ पे शांत रूप से डिसिप्लिन में खड़ा कर दिया. उसके बाद स्कूल असेंबलीज यहाँ स्टार्ट होती हैं, सभा स्कूल असेंबली. उसके बाद हम लोग सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस, स्टार्ट विद गायत्री मंत्र, न्यूज़ हेडलाइंस, आज की तारीख क्या है, जो असेंबली का थीम है. हर असेंबली का एक थीम होता है कि आज का थीम ये है, क्योंकि कुछ हमारे देश में जो भी 26 जनवरी का प्रोग्राम आता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम आता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस नाम से असेंबली कर देते हैं, स्पेसिफिक असेंबली कर देते हैं. तो वो स्कूल वो असेंबली का थीम बन जाता है. स्कूल असेंबली में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी बच्चे को हम सम्मानित अगर हमें करना है तो हम स्कूल असेंबली में कर देते हैं. कोई बच्चा हमारा बाहर गया, इंटर स्कूल में जीत के आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आया है, गोल्ड लेके आया है, उसको हम लोग वहाँ खड़ा कर देते हैं, और फिर उसके बाद पूरे स्कूल के सामने हम उसको सम्मानित करते हैं. इसका फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह बच्चे फ्रेश होके आते हैं, और जब वो देखते हैं कि हमारे साथ का एक साथी इतने बड़े मेडल जीत के लाया है, और इससे पूरे स्कूल में ये बात पता लग जाती है, और ये बड़े प्राउड की बात होती है. स्कूल असेंबलीज इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज की जाती हैं. मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट factors which makes the teacher and students regular and punctual. Morning assembly का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि सुबह सुबह बच्चे आते हैं, punctuality में रहते हैं वो, इसके माध्यम से regular आते हैं, discipline में आते हैं. Through proper and systematic arrangements of morning assembly in a school, we can surely develop as good habits and manner attitudes. जब भी हमें school assembly करानी होती है उससे पहले हमें सारे teachers को पूरे अरेंजमेंट पूरा करना पड़ता है कि बच्चे खड़े कहाँ होंगे, बच्चे एक्सरसाइज कैसे करेंगे, बच्चे बैठेंगे, अगर स्कूल असेंबली बहुत लंबी है तो बच्चे बैठेंगे कहाँ पे. डेली स्कूल असेंबली करा के हम बच्चों में बहुत सारी अच्छी भावनाएं उत्पन्न करते हैं, उनकी हैबिट्स अच्छी हो जाती हैं, उन्हें खड़ा होना आ जाता है, उन्हें लाइन में खड़ा होना आ जाता है. ये सब स्कूल असेंबली का फ़ायदा है. इसके बिना, स्कूल असेंबली के बिना कोई भी स्कूल पूर्ण रूप से स्कूल नहीं माना जाता. We have giving good attitude to our students with school assembly like value, punctuality, regularity, cleanliness, etc. Among student, in addition to this morning assemblies provide scope for co-scholastic activities like reaction, recognition, organizing, quiz, extempore speech, self-profession, etc. School assemblies का सबसे जो important part वो है कि बच्चे को हम stage पे लाते हैं, बच्चे को हम स्टेज पे लाते हैं, उसको बोलने का हम मौका देते हैं, और उस मौके के बाद वो
उस मौके के बाद वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्कूल असेंबलीज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो ये मास प्रोग्राम का जो सबसे पहला पार्ट है वो स्कूल असेंबलीज हैं। स्कूल असेंबली के बाद हम आते हैं मार्च पास्ट। व्हाट इज मार्च पास्ट? मार्च पास्ट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमने मार्च पास्ट मिलिट्री में देखा है, एयरफोर्स के लोग करते हुए देखा है, आर्मी वालों को देखा है, एनडीए वालों को देखा है, ये सब लोग मार्च पास्ट करते हैं। सबकी मार्च पास्ट अलग अलग है, सबके सैल्यूट अलग अलग हैं। परेड ऑल्सो कॉल्ड मार्च और मार्च पास्ट इज ए प्रोसेशन ऑफ पीपल यूजली ऑर्गेनाइज अलॉन्ग ए स्ट्रीट ऑफन इन कॉस्ट्यूम्स एंड ऑफन अकम्पनीड बाय मार्चिंग बैंड फ्लूट्स और समटाइम लार्ज बैलून्स। परेड्स आर हेल्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ रीजन्स बट आर यूजली सेलिब्रेशन ऑफ सम काइंड्स। इन इंडिया द टर्म परेड इज यूजली रिजर्व इन ए आइदर मिलिट्री परेड्स और अदर ओकेजन वेयर पार्टिसिपेंट मार्च इन फॉर्मेशन। मार्च पास के बारे में पहले हम समझ लेते हैं कि मार्च पास होता क्या है। एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें 40 से 50 बच्चे हो सकते हैं। लाइंस प्रॉपर होती हैं इसके अंदर, हाइट वाइज बच्चे खड़े होते हैं। इसमें मेन जो पार्ट है मार्च पास का वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन, सभी बच्चों के पैर एक साथ, अगर लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट लेग ही होगा, राइट हैंड है तो राइट हैंड ही होगा। सभी बच्चों के जो बॉडी पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और वो मार्च करने चाहिए स्ट्रेट देख के, एकदम सामने चल के एकदम करना चाहिए। हम लोग मैट्रिक में देखते हैं मार्च पास्ट होता है, लेकिन ये स्कूल में मार्च पास्ट एक अभिन्न अंग है। मार्च पास्ट जो है स्पोर्ट्स डे और कोई भी अगर आपका फंक्शन है, कोई भी अगर आपका एनुअल डे आप मना रहे हैं या आप 26 जनवरी का प्रोग्राम मना रहे हैं, 15 अगस्त का प्रोग्राम मना रहे हैं आप, तो कुछ एक जो ग्रुप है वो मार्च पास्ट करके चलता है और मार्च पास्ट से जो है रौनक बन जाती है स्कूल के अंदर। तो ये सारे मार्च पास्ट के फ़ायदे हैं। इसके बाद हम आते हैं एक मास प्रोग्राम का अगला, हम 10.53 है आपके सिलेबस में है, स्पोर्ट्स डे। ये भी एक मास कंडक्टिंग प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्पोर्ट्स डे। क्या होता है स्पोर्ट्स डे? स्पोर्ट्स डे क्यों इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए? ऐसा क्या है कि स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे पूरे साल वेट करते हैं, समय का इंतजार करते हैं कि स्पोर्ट्स डे कब आएगा? ऐसा क्या होता है स्पोर्ट्स डे के अंदर? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पोर्ट्स डे को खेल दिवस बोला जाता है। स्पोर्ट्स डेज आर इवेंट स्टेज बाय मैनी स्कूल्स इन विच पीपल टेक पार्ट इन कॉम्पिटेटिव सपोर्टिंग एक्टिविटीज ऑफन विद एम ऑफ विनिंग ट्रॉफीज और प्राइजेज। खेल दिवस एक ऐसी व्यापक व्यवस्था है स्कूल के अंदर जिसका सारे बच्चे इंतजार करते हैं। इसमें बच्चे एक एम लेके दौड़ते हैं कि हमें ट्रॉफी जीतनी है, या हम नहीं भी जीत पाए हम कम से कम पार्ट तो लेंगे ज़रूर इसमें। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ये इसको भी हम मास कंडक्टिंग प्रोग्राम में ले लेते हैं। दे आर यूजुअली हेल्ड इन द एटनम ऑफ स्प्रिंग सीजन स्पेशली इन प्लेस विद द समर इज़ वेरी हार्ड। जब भी हम खेल, कोई भी खेल ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजन करते हैं खेल का स्कूल के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा उस टाइम मौसम कैसा होगा, हमें इंडोर गेम कराना है या आउटडोर गेम कराना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है तो फिर हम इंडोर गेम करा लेते हैं, हम आउटडोर गेम नहीं कराते हैं। बारिश का समय है, हम आउटडोर गेम्स नहीं करा सकते हैं, हम इंडोर गेम करा लेते हैं। इसी तरह जब हम स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन करते हैं, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें वो मौसम किस मौसम में कराना है। और फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से स्प्रिंग सीजन इसके लिए जो है बेस्ट मौसम होता है, क्योंकि इस टाइम ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इस मौसम में हम आराम से स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे अच्छी तरीके से सारी रेसेस में, सारे एक्सरसाइज में, सारे व्यायाम में, सारी चीज़ों में, योगा, ताइक्वांडो हो गया आपका, फील्ड डांस हो गया आपका, इन सभी पार्ट ले पाए और रेसेज में पूरा अपना दम लगा पड़े। स्कूल स्टेज स्पोर्ट्स डे इन विच चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स इवेंट्स गेम्स डेट आर प्लेड एंड स्कूल स्पोर्ट डेज कैन बी वाइड एंड वेरिड। दे आर स्प्रिंट्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेज, एथलेटिक जम्प्स एंड थ्रोन्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। स्पोर्ट्स डे में होता क्या क्या है, सबसे बड़ी बात यह, बच्चे क्यों इंतजार करते हैं? स्पोर्ट्स डे में रेसेज होती हैं, रेसेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पोर्ट्स डे का दूसरा नाम एथलेटिक मीट भी है, एथलेटिक मीट, क्योंकि इसमें रेसेज ज़्यादा होती हैं। जितनी भी रेसेज ग्राउंड, जो बड़े हमारे एथलेटिक ग्राउंड्स हैं, इसको हम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट भी बोलते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इसको बोला जाता है, इसलिए और इसी को इसलिए हम स्पोर्ट्स डे का दूसरा नाम एथलेटिक मीट भी रख देते हैं कई बार।
हालांकि ये एनुअल अगर है तो एनुअल स्पोर्ट्स डे ही बोला जाता है, लेकिन एथलेटिक मीट भी इसका एक पार्ट है इसको बोलने का। इसमें हम अलग अलग आर्ट एंड फील्ड के ट्रैक एंड फील्ड के गेम्स कराते हैं, जिसमें आपका रेसिज हैं, 50 मीटर रेसिज हैं, 100 मीटर रेसिज हैं, 200 मीटर रेसिज हैं, 400 है, उसके बाद आपका आता है रिले रेस। रिले रेस जैसे 400 मीटर रिले रेस है, तो इसमें हर बच्चा 100 × 4 है, हर बच्चा जो है 100 मीटर भागता है और दूसरे को बैटन देके अगले दूसरा फिर प्लेयर उसको लेके भागना शुरू करता है। ऐसे चार लोग 400 मीटर कवर कर लेते हैं। ये एक हाउस टाइप एक्टिविटीज़ है। इसमें हाउसेज के बच्चे अलग अलग सेलेक्ट होकर इसमें पार्ट लेते हैं और भागते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पोर्ट्स डे का हिस्सा है आपका ताइक्वांडो। ताइक्वांडो परफॉर्म करके दिखाते हैं बच्चे। स्केटिंग, स्केटिंग डांस है, स्केटिंग इवेंट्स है, स्केटिंग स्टंट्स हैं, ये सारे बच्चे करके दिखाते हैं। उसके बाद आपका योगा बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है। योगा वैसे भी स्कूल्स में अब मुझे लगता है सरकार को बिल्कुल इसमें कंपलसरी कर देना चाहिए। योगा जो है, योगा इसका पार्ट है। योगा फॉर्मेशन, योगा में फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, ये सब जो है स्पोर्ट्स डे का हिस्सा है। और लास्ट में जो बच्चे जीतते हैं उन सभी को हम सम्मानित करते हैं, पूरे स्कूल उन्हें सम्मानित करता है, मेडल्स पहनाता है, ट्रॉफीज देकर सम्मानित करता है। जो भी हाउस विनर्स हैं हाउस ट्रॉफी जाती है। मार्च पास्ट का जो हमने पीछे बात की थी, मार्च पास्ट के 5-6 अगर हाउसेज हैं सारे अलग अलग मार्च पास्ट करते हैं तो उनमें से हम विनर घोषित कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स डे का पार्ट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स डे का पार्ट ये है कि जो भी हमारे बच्चे बाहर से परफॉर्म करके आए हैं, बाहर से जीत के आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीत के आए हैं, स्टेट लेवल पे जीत के आए हैं, नेशनल लेवल पे जीत के आए हैं, भारत के लिए रिप्रेजेंट किया उन्होंने, उन सभी को हम स्पोर्ट्स डे पे सम्मानित करते हैं। स्कूल के लिए ये बड़े गर्व की बात होती है कि उनका बच्चा इस लेवल तक गया है, तो जहाँ उन्हें सम्मानित करना है, एक प्लेयर को उनके मेन इवेंट स्पोर्ट्स डे पे ही सम्मानित किया जाता है, ये बड़े प्राउड की बात होती है। ये सब जो पार्ट है वो स्पोर्ट्स डे का हिस्सा है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो मास कंडक्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा है फिजिकल एजुकेशन का, कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स मीन्स व्यायाम। व्यायाम बहुत तरीके के व्यायाम होते हैं स्कूल्स में, लेजियम, डंबल, योगा, ये सारे पार्ट हैं व्यायाम के। एथलेटिक मीट, ये सब व्यायाम में आते हैं। व्यायाम क्यों जरूरी है, व्यायाम हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे को ये समझना पड़ेगा टीचर्स को कि व्यायाम के बिना हम बच्चों को फिट नहीं रख सकते, हम बच्चे को उस लायक नहीं बना सकते कि बच्चा कहीं जाके अपने आप को परफॉर्म कर पाए, बच्चा किसी खेल में जाके पदक जीत पाए। जब तक हम कैलिस्थेनिक्स नहीं समझेंगे, हमारे लिए बच्चों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। तो कैलिस्थेनिक्स की बात कर लेते हैं। कैलिस्थेनिक्स आज जनरल ग्रुप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग फ्री हैंड मूवमेंट परफॉर्म टू बी रिदम, ड्रम बीट और विदाउट इट। व्यायाम में जरूरत नहीं है हमें कि हम ड्रम के साथ ही व्यायाम करें, बिना ड्रम बीट के हम व्यायाम कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी में हम ड्रम बीट का भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें फ्री हैंड एक्सरसाइजेज हैं, बॉडी मूवमेंट है, सब कुछ इसमें आपका मूव होता है, इसको हम कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। इनिशियली कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म्ड ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिलिट्री ट्रेनिंग, स्वीडिश, डेनिश एंड जर्मन सिस्टम ऑफ जिमनास्टिक्स हैव पुट फॉर ए ग्रेटर एम्फेसिस ए ऑन कैलिस्थेनिक्स देन एनी अदर एक्सरसाइज सिस्टम। इसको अलग अलग कंट्रीज में भी यूज, कंट्रीज में भी हम जिमनास्टिक के थ्रू करते हैं बच्चे, जैसे स्वीडन है, डेनिश है, जर्मन है, इन सब का अपना एक जिमनास्टिक सिस्टम है इन कंट्रीज का जो ये कराते हैं। तो ये भी एक व्यायाम का बहुत, हमारे इंडिया में भी आता जा रहा है, तो ये व्यायाम का बड़ा अच्छा पार्ट है। इसमें और सारी एक्सरसाइज जोड़ के इसको बनाया जाता है, इसे हम जिमनास्टिक का नाम देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ जाती है बच्चों की, स्टेमिना बढ़ता है इससे बच्चों का। इवन गैलन इन द ग्रीक फिजिशियन ऑफ एंशियंट टाइम्स कंसिडर्ड कैलिस्थेनिक्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफुल लिविंग। कैलिस्थेनिक्स आर मास यूनिफॉर्म बॉडी मूवमेंट। इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम कैलिस्थेनिक्स क्यों जरूरी है। कैलिस्थेनिक्स व्यायाम जो है हमारी बॉडी पार्ट्स को खोलने के लिए, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, फिटनेस डेवलपमेंट के लिए, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए, और मास मास रूप में यानी ग्रुप में इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई करने के लिए है नहीं। व्यायाम के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ बहुत सारे बच्चे ग्रुप में इकट्ठे हों, बैठे हों और वो एक्सरसाइज कर पाएँ। तो इस यही कैलिस्थेनिक्स, इसी को हम बोलते हैं, और इसी के द्वारा हम बच्चों को हमें पढ़ाना है, हमें समझाना है कि कैलिस्थेनिक क्यों ज़रूरी है। देर इम्पॉर्टेंट इन द प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल इज रियलाइज
throughout of the world, basically for two reasons. सभी लोगों ने समझा है कि बहुत सारे reasons हैं, लेकिन दो reasons इसमें basically बड़े important माने जाते हैं. They are first है, they are most economical exercises requiring or little equipment and they have great demonstrative value and they are a feast to the eye where done by the children in mass. सबसे अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिकल एक्सरसाइज है. इकोनॉमिकल मीन्स इसमें कोई खर्चा नहीं है कुछ भी. हम किसी को एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक टीचर एक्सरसाइज करा रहा है, एक बच्चा ड्रम बीट दे रहा है, तो इसमें खर्चा कुछ भी नहीं. सबसे इकोनॉमिकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो व्यायाम के इसी में हैं, कैलिस्थेनिक्स के अंदर आते हैं. ये पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसमें हम कुछ हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों को. ना हमें डंबल देना है, ना हमें लेजियम देना है, ना हमारे को इसमें जिम प्रोवाइड कराना है. सिर्फ ड्रम बीट पे हम एक्सरसाइज करा रहे हैं. और डेमोंस्ट्रेटिव मेथड इसमें यूज़ होता है. क्यों इसलिए यूज़ होता है? क्योंकि एक टीचर उसको करके दिखा रहा है. जब तक टीचर करके नहीं दिखाएगा तब तक बच्चे कर नहीं पाते हैं. हर व्यायाम का अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग तरीका है करने का. हर व्यायाम का जो हम बैठ के या खड़े होकर नहीं कर सकते, अलग अलग बॉडी पॉइंट्स में हमें व्यायाम करना पड़ता है. तो इस चीज़ को जो है मास कंडक्टिंग प्रोग्राम में ही ये चीज़ आती है और बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कैलिस्थेनिक्स को धारण करें. ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस कैलिस्थेनिक्स एंड डेमोंस्ट्रेट देन विल द लीस्ट एफर्ट एज कैलिस्थेनिक्स आर इजिली टू लर्न डेमोंस्ट्रेट और परफॉर्म एज एक्सरसाइज एट अ टाइम. बहुत सारे स्टूडेंट एक ग्रुप एक्टिविटी में खड़े हैं, हमें सिर्फ उनको डिस्टेंस पे खड़ा करना है ताकि एक दूसरे का हार्ट टच ना हो, एक दूसरे का पैर टच ना हो, बॉडी पार्ट्स टच ना हो. इस हिसाब से अगर हम बच्चों को खड़ा करते हैं और उसके बाद टीचर डेमोंस्ट्रेटिव मेथड के द्वारा दिखाता है कैसे करना है, कौन सा पैर आगे निकालना है, बॉडी को किस तरह मूव करना है, उस इस तरह कैलिस्थेनिक्स को हम संपूर्ण बना देते हैं. परफॉर्म करने के लिए हमारे बच्चे तैयार रहते हैं. एज एक्सरसाइजेज ऑफ ए टाइम ए सिंगल टीचर में कंट्रोल ए टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट विदाउट डिफिकल्टी बोथ एट ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल लेवल. इसका सबसे बड़ा फायदा यह कि एक टीचर है और 150 बच्चे ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, 200 बच्चे ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं. तो एक टीचर जो है इसमें 200 बच्चों को एक साथ व्यायाम करा रहा है. वो डेमोंस्ट्रेशन लेवल के द्वारा करके दिखा रहा है, ड्रम बीट यूज हो रहा है, ड्रम बीट पे बच्चों की साइज चेंज करनी है, ड्रम बीट पे बॉडी पार्ट्स चेंज करने हैं. तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है मास कंडक्टिंग प्रोग्राम का कि एक टीचर 200 बच्चों को एक साथ सारी चीज़ें करवा रहा है, इसमें किसी और की जरूरत नहीं है. कैलिस्थेनिक्स आर द बेस्ट कंडीशनिंग एक्सरसाइज स्टिल यूज्ड इन आर्मी एंड एनसीसी कैंप्स फॉर वार्मिंग अप एंड कंडीशनल ऑफ शोल्डर एंड कैडेट्स. कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा देखिए क्या है कि आज भी हमारी देश में हमारी आर्मी इसको यूज करती है. नेशनल कैडेट कोर के कैंप्स में ये यूज होता है, वार्मिंग अप के लिए यूज होता है. शोल्डर्स, हमारे जितने भी शोल्डर्स हैं, हमारे देश के सैनिक हैं, वो सब इसको यूज करते हैं. हमारे कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स इसको यूज करते हैं. तो कैलिस्थेनिक्स का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि हमारी ये कंट्री में, पूरी कंट्री में ही चल रहा है ये. सैनिक, देश के सैनिकों से लेकर स्कूल के स्टूडेंट तक चल रहा है ये. कैलिस्थेनिक्स का सबसे बड़ा फायदा है, इस देश को मिलता है. कैलिस्थेनिक्स आज जनरली माइल्ड स्ट्रेसर टू बिगिन विद बट एज एरोबिक्स फॉर्म ऑफ एक्टिविटी दे कैन मेड मोर वेजीरियस एंड स्ट्रेसफुल बाई इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड मेकिंग कोऑर्डिनेशन मोर कॉम्प्लेक्स. कैलिस्थेनिक्स के और भी फायदे हैं इसमें. इससे सबसे पहले तो हम स्ट्रेस लेवल से दूर हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है. कैलिस्थेनिक्स में एक पार्ट एरोबिक्स का भी है, एरोबिक्स भी हम इसमें ऐड करते हैं. एरोबिक्स में एक्सरसाइज के साथ डांस एक्सरसाइजेज होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. बहुत सारे इसमें स्ट्रेसफुल चीज़ों को हम हटा देते हैं. अगर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और हम शाम को नहीं काम कर पा रहे हैं, मॉर्निंग में नहीं काम कर पा रहे हैं, तो वैसे भी अगर हम थोड़ा सा योगा कर लें और थोड़ा सा हम व्यायाम कर लें तो हम स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं. इससे हमारी बॉडी मूवमेंट बहुत स्पीड हो जाती है, बॉडी मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है, हमारे कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा हो जाता है. इन यंग एज वेजीरियस कैलिस्थेनिक्स आर क्वाइट बेनिफिशियल while the severity of calisthenics must go to decreasing with an advancing age.
कैलिस्थेनिक्स अगर हम व्यायाम अगर हम छोटे छोटे बच्चों को छोटी एज में सिखा दें तो उसका फ़ायदा जो है पूरे पूरे जब तक वो ज़िंदगी जीते हैं तब तक उन्हें मिलता है, तब तक वो फिट रहते हैं और ये उनकी जीवन में एक जो है रोज़ की एक दिनचर्या बन जाती है कि हमें व्यायाम करना ही करना है। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों में ये चीज़ ला दें, स्कूल लेवल से ये चीज़ अगर हम बच्चों में डेवलप कर दें तो आगे जो है उन्हें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको दिनचर्या में लाने की ज़रूरत है बस। और इसके फ़ायदे पूरी ज़िंदगी बच्चा फिट रहेगा, मेंटली रूप से ठीक रहेगा, शारीरिक रूप से ठीक रहता है। फॉर पीपल विदाउट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कैलिस्थेनिक्स आर गुड एप्रिटीज एंड हैव ए नो मैच इन द डेवलपिंग स्पीड ऑफ मूवमेंट फ्लेक्सीबिलिटी रेंज ऑफ मूवमेंट इन ज्वाइंट्स। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता दूँ, लाइफ स्टाइल हमारा इससे चेंज हो जाता है, हमारे के पूरे मूवमेंट बॉडी की हमारी फिट हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी मूवमेंट बढ़ जाता है, रेंज ऑफ मूवमेंट हमारा बढ़ जाता है। जॉइंट्स एक ऐसी चीज़ है, बॉडी पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जॉइंट्स हमारे सारे जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं, एंड्योरेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो ये सब फ़ायदे जो हैं व्यायाम के हैं और इसको करने से बहुत सारी चीज़ों में जो भी अगर आप किसी को प्लेयर बनना है, किसी को पदक जीतना है, किसी को किसी गेम का प्लेयर बनना है तो कैलिस्थेनिक्स के बिना इम्पॉसिबल है। फॉर स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रेसिजन ऑफ मूवमेंट कैलिस्थेनिक्स सर्व ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सिंपल सी चीज़ है, इसमें समझने की बात यह है कि कैलिस्थेनिक्स के हम फायदे बता रहे हैं और कितने फ़ायदे हैं इसके। देखिए कोऑर्डिनेशन के साथ हमारा जो है बॉडी मूवमेंट के साथ, हमारे स्टेमिना के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी मेंटली सोच के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम बना लेते हैं, एक मजबूत हमारा मेंटली मजबूत हो जाते हैं हम, फिजिकली मजबूत हो जाते हैं हम। एज ए स्कूल सर्कुलर एक्टिविटी कैलिस्थेनिक्स आर वेरी इकोनॉमिकल एंड बेस्ट सूटेड टू बी हेल्थ एंड फिटनेस डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। स्कूल लेवल के हिसाब से सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी कहा इकोनॉमिकल एक्सरसाइज है, कोई खर्चा नहीं है इसमें, किसी भी तरह का कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। टीचर अगर इसको करिकुलर एक्टिविटी में डाल देते हैं, उसको कराते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदा किसी भी चीज़ का नहीं है। तो ये कैलिस्थेनिक्स का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कैलिस्थेनिक्स, सिद्धांत क्या है व्यायाम के, सिद्धांत क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सिद्धांत क्या है। थ्रू नॉट द सो कॉम्प्लेक्स फंडामेंटल स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीचिंग कैलिस्थेनिक्स टू रिक्वायर्स ए फिजिकल टीचर टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस ऑफ गिवन ब्लो। मैं इसको पहले आपको समझा दूं हिंदी में कि हर व्यायाम करने का एक अपना स्किल्स है, फंडामेंटल स्किल्स हैं उसके, और ये किस तरह टीचर बच्चों को समझा सकते हैं वो गाइडलाइंस नीचे दी गई है, किस तरह आप उन्हें समझा सकते हैं। मेक एक्सटेंटिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन टेक्निक सो डैट वेल चाइल्ड गेट ए कम्प्लीट आइडिया ऑफ एक्सरसाइज टू बी हेल्प लर्नर्स टू डेवलप ए करेक्ट इमेज ऑफ द एक्सरसाइज एक्टिविटी बिफोर ही इज मेड इट परफॉर्म इट फिजिकली। हमने पहले चार मेथड पढ़े थे आपको याद होगा, और उसमें एक मिरर मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है। तो ये डेमोस्ट्रेशन मेथड में आता है सबसे ज़्यादा कि एक टीचर अगर करके दिखा रहा है बच्चों को तो उसको भी सही तरीके से करेंगे। टीचर अगर सही कर रहा है तो बच्चा बिल्कुल सही तरीके से करता है और बच्चा टीचर को फॉलो करता है। तो ये कैलिस्थेनिक्स में अगर एक टीचर पीटी करा रहा है, पीटी एक्सरसाइज करा रहा है, तो पीटी एक्सरसाइज में अगर दोनों हाथ ऊपर हैं तो दोनों हाथ बच्चों के भी ऊपर होंगे, साइड हाथ हैं तो साइड हाथ बच्चों के भी होंगे, बच्चा गलत फॉलो नहीं करेगा। तो ये कैलिस्थेनिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें हर तरीके से बच्चे को टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मैथड के द्वारा करा रहा है। इट ऑल्स वेल टू टेल नेम ऑफ द एक्सरसाइज टू स्टूडेंट फॉर ए बेटर स्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स एंड एक्सरसाइजेज इक्वेंस इंसिडेंटली ऑल एक्सरसाइजेज टू बी देयर नेम्स। हर एक्सरसाइज का इसमें जब टीचर बच्चों करा रहे हैं उसका नाम होता है, उसकी पहचान होती है, और हर एक्सरसाइज का नाम उस तरीके से होता है जो जिस बॉडी पार्ट में वो एक्सरसाइज आपका जा रहा है, जहाँ वो स्ट्रच कर रहा है। जैसे हम एक बोलते हैं आर्म स्ट्रचिंग, व्हाट इज आर्म स्ट्रचिंग, हम अपने हाथ को स्ट्रच कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज का नाम आर्म स्ट्रचिंग हो गया। एक एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, दोनों पैर हम उसमें बैठ जाते हैं और बटरफ्लाई करते हैं, अपनी टांगों को हिलाते हैं, नीज को हिलाते हैं। इसी तरह एक सुखासन है, एक योगा का एक आसन है सुख आसन, तो उसमें हम सुख की अनुभूति करते हैं, स्ट्रेट बॉडी अपने बॉडी पार्ट्स के साथ उसमें बैठे हुए हैं, बैक हमारी स्ट्रेट है। इसी तरह हर एक्सरसाइज का नाम है, जो टीचर इसे कराते हैं वो एक्सरसाइज का नाम बोलेंगे और फिर वो बच्चा उसे फॉलो करेगा। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन डिस्क्राइब द एक्सरसाइज विद ए बाय पार्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस पोजिशंस, इंश्योर डैट द डिस्क्रिप्शन इज नॉट लेंथी बट शॉर्ट। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो हम डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों करके दिखा रहे हैं वो बहुत लंबा ना हो,
बच्चा बोर हो जाएगा, बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा, तो हमें उसके छोटे पार्ट को फॉलो करना है। ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि बच्चा उसको आराम से कर पाए। अगर लेंथी होगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, बहुत शॉर्ट होगा तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो उसे हमारे को आराम से टाइम लेके उसको समझाना है और बच्चों को करवाना है। क्रिस्प एग्जैक्ट प्रीस एंड इट द पॉइंट दर डज नॉट रिक्वायर्ड एनी लॉन्ग लेक्चरिंग। ये हमें एक फिजिकल एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें बताना नहीं है बच्चों को, ज़्यादा बोलना नहीं है, हमें सिर्फ करके दिखाना है। हम करके दिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चा उसे फॉलो कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा ही पॉसिबल है। डू करेक्शंस व्हेन यू आस्क स्टूडेंट टू परफॉर्म द एक्सरसाइज बाय पार्ट्स। आपने किसी बच्चे को कुछ बताया है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, जहाँ वो गलती करता है हमें उसे वहीं रोकना है। अगर हम उसे वहाँ नहीं रोकेंगे तो बच्चा करता जाएगा। डायरेक्ट करेक्शंस फ्रॉम ए सूटेबल पोजिशन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द क्लास रेदर देन मूविंग टू एवरी स्टूडेंट व्हेन इज ए फॉल्ट। आप बच्चे को हर बच्चे के पास नहीं जा सकते, तो एक बच्चे को अपने पास खड़ा कर लीजिए और उसको खड़ा करके आप उसकी चीज़ें ठीक करा दीजिए। आप उसकी ठीक कराएंगे, बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं और वो भी ठीक करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा गलत एक्सरसाइज कर रहा है, आप तुरंत जाएं, टीचर्स तुरंत जाएं उनके पास, तुरंत उनको रोक दें। नहीं, अगर बच्चे ने उसको अडॉप्ट कर लिया है तो फिर बच्चा जो है वो गलत ही करेगा। कीप अ कंस्टेंट वॉच ऑन द होल क्लास अलाउइंग नॉन्स टू डू एनी मिसअप एंड मॉगनिंग। अब आपको टीचर की ड्यूटी है कि पूरे क्लास पे वो ध्यान रखें कि कौन सा बच्चा गलत कर रहा है, कौन सा सही कर रहा है। अगर हम पूरे क्लास पे ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, कुछ भी सही कर रहे हैं, तो जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनको उसका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें हमें करेक्शंस बच्चे के पास जाके करनी पड़ती है। डू नॉट मेक चिल्ड्रेन हैव ए स्टॉप एवर एट वन पोजिशन फॉर ए लॉन्गर टर्म डिजायरेबल वेन मेकिंग करेक्शंस बिकॉज टू लॉन्ग ए वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप करेक्शंस बिकॉज टू लॉन्ग ए वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप फ्रस्ट्रेट्स अदर्स एंड दे लूज इंटरेस्ट देर एक्टिविटी। ये मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप बच्चे को एक जगह आप अगर बहुत लंबा टाइम देते हैं तो बच्चा बोर हो जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप एक जगह पे अगर आपने बच्चों के पैर फोल्ड कराए हैं तो फिर उसका एक काउंटिंग होती है कि आप 30 काउंट तक उसको करेंगे, 20 काउंट तक करेंगे, क्योंकि अगर आपने बहुत देर वो एक्सरसाइज बच्चों को करा दी तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और बच्चा फिर एक्सरसाइज नहीं करता। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देना है कि जब भी हम कराएंगे हमारी जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपने इसका एंजॉयमेंट किया हुआ। अब ये मेथड मास कंडक्ट प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।